Hello everyone, I am Som Daya. Once again I'm here with a new video. So I welcome you on the Rural Fight YouTube channel. So in the last video we learned some questions that we use on the daily basis. So आज एक बार फिर से मैं question tag का part 2 लेकर आया हूँ. इसके अंदर हम ऐसे ऐसे questions सीखेंगे जो हम daily basis पे use करते हैं और उनके answers भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा. तो चलिए video शुरू कर लेते हैं. तो लास्ट के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सीखे थे. 11th से हम शुरू करते हैं. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं. ये ऐसा क्वेश्चन सेट है. आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इनको आप इजिली इंग्लिश में बता सकते हैं. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं. तो आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है आप अपना बता सकते हैं. लाइक आई वॉच टीवी, I read newspaper, I read novel, I play game or I watch movie, whatever you like, you can tell in your free time, okay? So let's have a look at the next. What kind of food or films do you like most? तो आपको किस तरह की movies या किस तरह का food आपको ज़्यादातर पसंद है तो आप उसमें बता सकते हैं. I like Italian food, I like Indian food, fast food or whatever is your choice. ठीक है. So what kind of films do you like most? तो movies भी आप बता सकते हो कि किस तरह की आपकी movies पसंद हैं. Like there are many types of movies here, like romantic, action, horror and so many movies. मिस्टीरियस. ठीक है. तो उनमें से आपको जैसी मूवीज पसंद हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं. व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स. आप वीकेंड्स पे क्या करते हो. आप सैटरडे संडे में जैसे कई बंदे ऑफिशियल होते हैं, अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनकी सैटरडे संडे ऑफ होता है. तो वो प्लान करते हैं कि सैटरडे संडे को वहाँ घूमने जाना है या फिर कोई भी प्लान होता है तो आपसे पूछा जाए तो यू कैन टेल व्हाट डू यू डू ऑन योर वीकेंड्स. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट. What do you like to play? आपको क्या खेलना पसंद है. सो आप बता सकते हो I like playing badminton, I like playing hockey, whatever. ठीक है. Do you play badminton? क्या आप badminton खेलते हो. यदि आपसे किसी भी particular game का question पूछना है कि क्या आप cricket खेलते हो, do you play cricket? क्या आप hockey खेलते हो, do you play hockey? ठीक है. Who do you play badminton with? यदि आप कहते हो कि आप badminton खेलते हो, yes. तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप बैडमिंटन किसके साथ खेलते हो. हु डू यू प्ले बैडमिंटन विद. सो आई प्ले विद माई फ्रेंड, आई प्ले विद माई ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, वट एवर इज योर चॉइस और वट एवर इज आंसर. ओके. सो ये थे 14 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको किसी इंटरव्यू में भी फेस करने पड़ सकते हैं या फिर जनरली किसी से मिलते हो, अननोन पर्सन से मिलते हो, फर्स्ट मीटिंग होती है तो उसमें भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आशा है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे. और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो चिंता मत करिए, अभी क्वेश्चन सेट खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जो कि 3-4 पार्ट में चलेंगे. तो चलिए पर्सनल गो थ्रू देख लेते हैं. कुछ और हैं जिनको हम पर्सनली किसी से मिलते हैं तो पर्सनली यूज़ करते हैं. Like how are you, how do you do और how are you doing. इन तीनों का मतलब एक ही होता है. How are you का मीन्स भी यही होता है कि आप कैसे हैं और how do you do भी एक अमेरिकन स्लैंग है, अमेरिकन फ्रेज है. तो इसमें इसका मतलब भी यही होता है कि आप क्या करते हो, आप कैसे हो. ठीक है. How are you doing, how are you doing का मीन्स भी आप कैसे कर रहे हो, मतलब आप अपना टाइम पास कैसे कर रहे हो, आप आजकल क्या कर रहे हो. ठीक है. सो इसका मीन्स यही है कि how are you doing, आप कैसे हैं. सो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हम फाइन थैंक्स, मैं ठीक हूँ थैंक्स, या फिर नॉट सो गुड, इतना ठीक नहीं हूँ, जस्ट ओके, हाँ बस ठीक ही हूँ. ठीक है. तो इस तरह से आप इनके रिप्लाई कर सकते हैं. व्हाट आई डूइंग, आप क्या कर रहे हो. तो व्हाट आई डूइंग का मीन्स है कि प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो. तो आप कह सकते हो आई एम स्टडिंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसको ING फॉर्म में दर्शा सकते हो. आई एम प्लेइंग, आई एम सिटिंग, आई एम वॉचिंग टीवी. ठीक है. ING में दर्शाना है क्योंकि ING में क्वेश्चन पूछा है. नथिंग, कुछ नहीं, जस्ट सिटिंग, जस्ट बैठा हूँ, वॉचिंग टीवी. तो आप कुछ भी आप अपने अपने साइड से जो भी कर रहे हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं. ठीक है. सो देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली. मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं. ठीक है. आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं. हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव. आपके कितने भाई हैं. ठीक है. हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव. आई हैव ओनली वन ब्रदर.
ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप को छोड़ करके अपने अलावा बताना है, आई हैव वन ब्रदर, ठीक है, ये नहीं कहना है आई हैव टू ब्रदर, इसके अंदर आप इंक्लूड नहीं हो, आपके अलावा की पूछी गई है यहाँ पे, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, आपके किसने कितनी सिस्टर्स हैं, सो आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव नो सिस्टर, आई हैव नो एनी सिस्टर, ठीक है, आई हैव ओनली वन सिस्टर, सो यू कैन राइट और यू कैन टेल अकॉर्डिंग टू योर योर सेल्फ, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, सो आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू आर, यू आर का मीन्स है बच्चों, अब इसके अंदर आपने आपको भी इंक्लूड किया है, ठीक है, अब आपको भी इंक्लूड करके आप इसके अंदर बताएंगे, ठीक है, वी आर फोर ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, वी आर फोर सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स में भी हम भाई बहन की जिक्र होता है, इसके अंदर आप खुद इंक्लूड होते हैं, ठीक है, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, फिफ्थ है, फोर्थ है, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल होती है, प्रोफेशनल होती है, टेक्निकल होती है, ठीक है, तो आपसे एजुकेशनल पूछा जाए तो ये एजुकेशन वाली बतानी है आपको, जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, बीए है, आपकी मास्टर्स डिग्री है, ये सारी आपकी क्या है, एजुकेशनल है, टेक्निकल में जैसे बीटेक आ जाता है, प्रोफेशनल में जैसे एमबीए आ जाता है, ये सारी प्रोफेशनल होती हैं, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, ये प्रोफेशनल डिग्री हैं, डू यू हैव एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास है तो आप कह सकते हैं यस आई हैव बी टेक, ओके वट एवर, सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, हु इज योर आइडल, आपका आइडल कौन है, ठीक है, तो आपका आदर्श कौन है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, हु इज योर आइडल, तो आपका आदर्श कौन है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा आदर्श कौन है, मैं किसके जैसा बनना चाहता हूँ, किसकी प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, हु डू लाइक मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सो इट इज़ योर पर्सनल गो थ्रू, पर्सनल क्वेश्चन है, ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने को जो भी चीज़ें संसार में पसंद है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, व्हाट डू यू नॉट लाइक मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको संसार में क्या पसंद नहीं है, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, तो आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, कमजोरियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकले, पॉजिटिव भी निकले कुछ, ठीक है, तो अपनी कमजोरी होती हैं जैसे हम क्रेडुलस होते हैं, जल्दी किसी के भी विश्वास कर लेते हैं, कमजोरी है लेकिन पॉजिटिव भी है, जल्दी कई बार विश्वास करना थोड़ा सा फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि उससे कई बार इतना टाइम नहीं होता, हमें जल्दी विश्वास करना पड़ता है बंदों के ऊपर और उसके रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं, लेकिन है एक नेगेटिविटी या वीकनेस है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपकी ताकत क्या है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने आप में या दुनिया से अलग बनाती हैं, तो वो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ बता सकते हो, ठीक है, आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, गुड एट मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत क्या है, ठीक है, व्हाट आर योर स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या हैं, जैसे स्किल्स हैं जैसे किसी की खाना बनाने में स्किल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर में स्किल्स हैं, किसी की भी अलग से कोई स्किल है, किसी चीज़ में आप निपुण हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, तो यहाँ पे ये था स्किल्स का, तो आपको ये स्किल्स आपकी बतानी थी, चलिए और भी क्वेश्चन सेट है मेरे पास, मैंने क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, यदि आपका क्वेश्चन अभी तक कोई क्वेश्चन रहता है जो पर्सनल गो थ्रू में आप किसी से पूछते हो, किसी से अननोन पर्सन से मिलते हो या किसी के साथ बैठ करके कॉन्वर्सेशन करते हो, तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना और कॉमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय द टाइम टेक केयर, बी हैप्पी, एंड एक रिक्वेस्ट है स्टे एट होम, ओके, सो थैंक यू।